थमथमी से खबर है, जहां गंगरेल बांध के 9 गेट खोले गए हैं, वहीं महानदी के आसपास ग्रामीणों को अलर्ट कर मुनादी कराई गई है। गंगरेल की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। गंगरेल का पानी रुद्री बैराज में भेजा जा रहा है, यहां से महानदी में पानी छोड़ा जा रहा है। धमतरी और आसपास के जिलों में झमाझम बारिश से सभी बांध भर गए हैं। इसके अलावा निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बन गई है, कई जगह जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। पानी के ज्यादा भराव की वजह से मंगलवार को 9 गेट खोले गए। अब इसी तरह बांध के गेट भी जिले के माजम सिल्ली साइफ डैम सहित मुरुम सिल्ली डैम के भी खोले गए हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंगरेल माजम सिल्ली दुधावा डैम में पानी की आवक तेज गति से हो रही है। हालांकि कलेक्टर ने सभी से बांध के किनारे सेल्फी न लेने की अपील की है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। गंगरेल अपनी फुल कैपेसिटी में है, अभी 1000 क्यूसेक पानी रिलीज़ किया जा रहा है और लगातार पानी की आवक को देखते हुए पानी को रिलीज़ किया जाएगा। सैलानियों से यही निवेदन है कि नज़ारे को और प्रकृति को एंजॉय करते साथ साथ अपना ध्यान भी रखें, अननेसेसरी रिस्क लेके सेल्फी वगैरह ना खींचे जिससे जान को दुर्घटना हो सकती है। बांध वर्तमान में अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी सैलानी लगातार आ रहे हैं और पर्यटन का भी नज़ारा और लुत्फ़ उठा रहे हैं। सभी से यही निवेदन है कि अपने आप को एंजॉय करते समय सावधान भी रहे और अननेसेसरी रिस्क ना लें।